नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीता विवेक, मुक्ति के फायदे कवित्री कविता सिंह की कविता का ससंदर्भ व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सामग्री पठन पाठन के लिए अवश्य सहायक होगी। कविता लंबी है, इसलिए मैंने इसे 5 भागों में बांटा है और उसी अनुसार ससंदर्भ व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण प्रस्तुत किया है। ससंदर्भ व्याख्या का जो प्रारूप मैंने प्रस्तुत किया है वह छात्रों को परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए उपयुक्त है। इस प्रारूप का अनुसरण आप कर सकते हैं। ससंदर्भ व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण से पहले मैं कविता का संक्षिप्त परिचय एवं उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। मुक्ति के फायदे एक नारीवादी कविता है तथा नारी सशक्तिकरण को भी दर्शाती है। इसमें कवित्री ने 3 पीढ़ी के माध्यम से स्त्री शक्ति, सोच, भावात्मक दृढ़ता को प्रस्तुत किया है। स्त्री की आत्मनिर्भरता उसकी स्वयं की पूंजी है। वह अपने से पहली पीढ़ी के सहे अत्याचारों से स्वयं को मुक्त करती है। आत्मनिर्भरता के कारण गर्व से भरपूर है तथा आने वाली पीढ़ी की उन्मुक्तता की कल्पना भी करती है। अपने शापित पूर्वजों की परंपराओं से स्वयं को मुक्त करने वाली पीढ़ी की कल्पना भी करती है। यहाँ पर कविता का परिचय पूर्ण होता है। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने पहले पद को संकेत रूप में प्रस्तुत किया है। मैं किसकी डैश डैश की खाइयाँ। प्रसंग है, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य वसंत कविता संग्रह में संकलित कविता मुक्ति के फायदे से लिया गया पद है। इसकी रचनाकार कविता सिंह है। संदर्भ है, इस पद में कवित्री ने एक ऐसी महिला का दृश्य प्रस्तुत किया है जो बूढ़ी है और पति के अत्याचार सहना ही अपना भाग्य समझती है। कवि परिचय। सविता सिंह का जन्म बिहार में सन 1962 में हुआ। आपने राजनीति शास्त्र में शोध कार्य किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इग्नू में आपने सेवाएं दी है। स्त्री विमर्श पर लेखन कार्य किया है। आपकी रचनाएं हैं कविता संग्रह अपने जैसा जीवन, 7 लाइव्स एवं 1 ऑटम का आपने संपादन कार्य भी किया है। प्रथम पद की व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री कहती हैं कि मैं रेल यात्रा कर रही थी और एक वृद्ध महिला उनके साथ बैठी थी, जिसकी आंखों में कवित्री के लिए सवाल उभर रहे थे। अतः वह सवाल वृद्ध महिला की आंखों में थे जो वह अपने जीवन में भुगत चुकी है। वे सवाल इस प्रकार थे कि कवित्री किसकी पत्नी है, पति परमेश्वर कौन है, पति की सेवा पैर दबा कर करती है कि नहीं, और किसका दिया खाती है, कौन है वह पति जिसकी मार वह खाती है। इस तरह के सवाल उस वृद्ध महिला के थे जो वह भुगत चुकी है, और औरतों का अस्तित्व सिर्फ उसके पति से होता है और पति के अत्याचार सहना ही उसका भाग्य होता है। उस वृद्ध महिला की उम्र लगभग 70-75 वर्ष होगी। उसकी परिस्थिति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अंदर धंसी थीं और शरीर कमजोर तथा चेहरे पर दुखों, कष्टों, अत्याचारों के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अगला बिंदु है विशेषता। वृद्ध महिला के उम्र के द्वारा कवित्री ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की परिस्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। जिस प्रकार बूढ़ी महिला का जीवन अत्याचार सहते हुए बीता था, किंतु अगली पीढ़ी का जीवन स्वतंत्र है और अपना जीवन अपने आप जीने योग्य व बनाने में सक्षम हुई है। क्योंकि कवित्री आगे कहती है कि उनके जीवन में वृद्ध महिला के सवालों का स्थान नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है कि अज्ञानता व अशिक्षा के कारण समाज में स्त्री की हालत अच्छी नहीं थी, और शिक्षा वह अस्त्र है जो अज्ञानता को दूर करता है। शब्दार्थ, परमेश्वर, भगवान। एक समय था जब पति का स्थान परमेश्वर जैसा माना जाता था।
सफर, यात्रा, धसना, गढ़ना, पठार, भूमि पर उभरा हुआ स्थान। कवित्री ने दुखों की अधिकता के लिए पठार शब्द का प्रयोग कर अधिक प्रभावशाली बनाया है। अगला शब्द है खाइयाँ, जिसका अर्थ है गहरा गड्ढा, जिसमें उन्होंने अपमान की बहुतायत के लिए खाई शब्द का प्रयोग किया है, जो दुखों के पहाड़ एवं गहरी खाइयों के समान होता है, जिसमें जीवन असंभव लगता है। यहाँ पर प्रथम पद पूरा होता है। अब हम द्वितीय पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत, सोचकर बहुत डैश डैश का जीवन। प्रसंग, पूर्ववत। संदर्भ, कवित्री अपना परिचय उस बूढ़ी औरत को देती है और अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय देती है। कवि परिचय, पूर्ववत। व्याख्या, कवित्री बहुत सोच समझकर जवाब देती है कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हूँ, मेरी अपनी पहचान है, मैं पति के दिए हुए भोजन की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपना भोजन स्वयं जुटाती हूँ तथा अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रहती हूँ, मैं किसी की मार फटकार सहन नहीं करती हूँ और मेरा कोई पति तथा कथित परमेश्वर भी नहीं है। मेरी इन बातों को सुनकर वह कुछ असहज हो जाती है, क्योंकि उसके लिए औरत की आज़ादी का कोई विचार ही नहीं है और औरत की ऐसी स्थिति उसके लिए विचारणीय है कि बिना पति के इस औरत का जीवन कैसे कटेगा। व्याख्या पूर्ण होती है। विशेषता है, जहां दो पीढ़ियों का मिलाप होता है, वहीं से दूरियां भी जन्म लेती है। बूढ़ी महिला के लिए पति के अत्याचार नियति है और वहीं नई पीढ़ी ने स्वयं को इससे आजाद कर लिया है। शब्दार्थ, असहज, अस्वाभाविक। खामोशी, चुप्पी, शांति। यहाँ पर दूसरा पद पूर्ण होता है। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत, संशय में डैश डैश हक से लकदक। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है, कवित्री उस बूढ़ी औरत से बदलाव की कहानी बताती है। कवि परिचय, पूर्ववत। व्याख्या, कवित्री कहती है कि वह बूढ़ी औरत मेरा परिचय सुनकर शंका में पड़ जाती है। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उसके प्रश्नों का जवाब अपने एकाकी होने को अभिमान का विषय है उसे समझाना चाहा। फिर हंसते हुए कहा कि हम दोनों का जीवन एक जैसा ही है, हमारी यात्रा भी एक जैसी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटा वह तुम सहन कर गई किंतु समझ नहीं पाई। औरत का जीवन औरत का होता है, पति का नहीं होता। कहीं कोई अपने आप से परेशान होता है तो कहीं कोई उस पर गौरवान्वित होता है। यहाँ व्याख्या पूर्ण होती है। अगला बिंदु है विशेषता। संदेश दिया है कि व्यक्तित्व निर्माण एवं चरित्र निर्माण हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वह परतंत्र बनना चाहता है या स्वतंत्र होना चाहता है। शब्दार्थ है, संशय, शंका, दुविधा। गर्व, अभिमान। लतपत, सना हुआ। लकधक, चमकता हुआ। तृतीय पद पूर्ण होता है। अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत, यात्रा लेकिन डैश डैश कहोगी तुम। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है, कवित्री ने उस बूढ़ी औरत से आने वाली पीढ़ी के विषय में संभावनाओं का परिचय दिया है। कवि परिचय, पूर्ववत। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि आगे बढ़ने की यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो निरंतर क्रम है जिसमें हर पीढ़ी में बदलाव होना स्वाभाविक है। मैंने आज़ाद होने के बावजूद भी सहन किया है। आने वाली पीढ़ी उन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ी होगी। उसे देखकर तुम आश्चर्यचकित होने के साथ साथ शायद डर भी जाओगी। उसकी स्वच्छंदता देखकर रोओगी, तुम्हें शंका होगी और फिर से कहोगी कि कैसे इसका जीवन कटेगा। व्याख्या पूर्ण होती है। विशेषता, कवित्री ने अपनी पहली पीढ़ी का परिचय देकर तथा अगली पीढ़ी की संभावनाओं को व्यक्त करते हुए तीन पीढ़ियों के विचारों, स्थिति, परिस्थितियों को बताकर पीढ़ियों का अंतर बहुत ही सुंदर तरीके से रखा है। शब्दार्थ हैं, फटकार, डांट, अपमान, यातना, कष्ट, प्रताड़ना, पीड़ा।
चतुर्थ पद पूरा होता है। अब हम पांचवें और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत है, लेकिन वह डैश डैश पूर्णतया अपनी, प्रसंग पूर्ववत संदर्भ कवित्री ने अपने से अगली पीढ़ी के विषय में बताया है। कवि परिचय पूर्ववत व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि मैं अपने पति के परमेश्वरत्व से, अत्याचारों से, परतंत्रता से आज़ादी पाकर गर्व का अनुभव करती हूँ, किंतु मेरी अगली पीढ़ी मुझसे अधिक उन्मुक्त होगी। वह केवल आत्मनिर्भर ही नहीं होगी, बल्कि प्रकृति में हर कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी, अपने आप को पूरी तरह से अपने पूर्वजों के शाप से मुक्त कर लेगी, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएगी, धरती से आकाश तक स्वयं को देखेगी। वह नई पीढ़ी स्वनिर्मित होगी। यहाँ व्याख्या पूर्ण होती है। विशेषता। नारीवादी कविता में कवित्री ने औरत की सक्षमता को तीन पीढ़ियों के उत्तरोत्तर बदलाव के माध्यम से प्रकट किया है और बताया है कि स्त्री की स्वच्छंदता उसकी ताकत है, समाज की ताकत, दृढ़ता की परिचायक है। शब्दार्थ। उन्मुक्त, बंधन मुक्त, आज़ाद, गंध, महक, अभिलाषाओं, इच्छाओं। इस प्रकार कविता के पांचों पूर्ण और उनकी ससंदर्भ व्याख्या अर्थ ग्रहण पूर्ण होता है। अगली वीडियो में आप कविता का सारांश एवं विशेषता तथा एक अंक प्रश्नोत्तरी भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।